वो एक तरह से कहने का लहजा था, मुझे ये लगता है कि नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया और फिर उन्होंने अपने एक दो मैंने भाषण भी देखे, कई बार वो कह चुके हैं कि मैं केवल स्कूल तक गया हूँ, मैं केवल हाई स्कूल तक गया हूँ, मैंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। आज एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ऐसे ऐसे अफसर आके ऐसे आपको घुमाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कहाँ कौन फाइलों में कहाँ साइन करा के ले गया, आपको पता ही नहीं चलता। जैसे नोटबंदी का निर्णय हुआ, सारे देश ने उसका खामियाजा भुगता, कितने बड़े स्तर के ऊपर रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों के घर खराब हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। वो नोटबंदी का निर्णय जो है, अगर कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते कभी नोटबंदी का निर्णय नहीं लेते, पता नहीं किसने जाके उनके कान भरे, उनको समझ नहीं थी, उनको समझ नहीं आया और उन्होंने नोटबंदी का निर्णय ले लिया। उन्होंने 3 किसानों के कानून बनाए, वो शुरू से ही सब कह रहे थे इतने खराब कानून है, किसानों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश के किसानों का बेड़ा गर्क। उनको समझ नहीं आया, पता नहीं कौन जाके उनके कान भर देता, उनको समझ नहीं आता क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं और देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। कई बार उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जैसे वो कहते हैं कि गंदी नाली से जो बदबू आती है उस गैस से जो है वो चाय बन जाती है, उस गैस से खाना बनता है, उसको पतीली को उल्टा कर दो, उसमें छेद कर दो तो उसमें पाइप डाल दो, उसमें खाना, ऐसे खाना गंदी नाली की गैस से अगर बनना चालू हो जाए तो फिर गैस के सिलेंडर खरीदने की क्या ज़रूरत है, फिर तो सब लोग अपना गंदी नाली अपने घर में गंदी नाली बना लेंगे और उसी से खाना बना लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। उनके कई सारे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि राडार के पीछे अगर जहाज हो तो वो बादल के पीछे तो राडार दिखाई नहीं, कई मतलब इस तरह की बातें कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करता। विदेशों से कई नेता आते हैं, वो पता नहीं कहाँ किन फाइलों पे क्या साइन करा के ले जाते हैं, उनसे किसी को पता ही नहीं क्या कहाँ साइन कर रहे हैं का। तो देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि पढ़ा लिखा नेतृत्व होना चाहिए। दिल्ली ने ये साबित कर दिया, हमारी सरकार पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, हमारी सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर पढ़े लिखे लोगों की सरकार हो और ईमानदार सरकार हो तो कहाँ की कहाँ कितनी तरक्की हो सकती है। वो एक कोशिश ये की जा रही है, अगर आप जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स देखें, किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट के अंदर वो कोई भी फैसिलिटी जनता को फ्री में प्रोवाइड नहीं करते, खासकर बिजली तो उन्होंने किसी भी स्टेट के अंदर फ्री में नहीं दे रखी, उसके बावजूद उन सारी सरकारों का बजट घाटे में चलता है। दिल्ली में हमने लोगों को फ्री बिजली दी है और केवल फ्री बिजली नहीं, 24 घंटे बिजली दी है, 24 घंटे बिजली दी है। और मेरे को याद है 2014 में 6000 मेगावाट अगर लोड हो जाता था गर्मी के दिनों में तो सारी बिजली लोड शेडिंग होती थी, ट्रांसफार्मर जल जाते थे, तारे जल जाती थी। हमने दिल्ली के सारे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, 7500 से ज़्यादा 7600-7700 भी अगर लोड हो जाए तो कोई कुछ नहीं चलता। तो एक तरफ हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, 24 घंटे बिजली दी और लोगों को फ्री बिजली दी, ये इनको बीजेपी के लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो ये किसी भी हालत में बिजली की सब्सिडी रोकना चाहते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं बिजली की सब्सिडी को रोकने के लिए। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ, मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में बिजली की सब्सिडी को हम नहीं रोकने देंगे। सर ऑडिट कराने की बात, हाँ ऑडिट कराएंगे, ये डिस्कॉम्स ने अगर कोई भी गड़बड़ की है, हमने जैसे हमारी पहले सरकार आई थी आपको याद होगा 49 दिन की सरकार, उस 49 दिन की सरकार में भी हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया था, अब दोबारा बिजली और कंपनियों का ऑडिट।